म्यूजिक की म्यूजिक है, बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रोलर अप्पा व्लॉग्स। ये वाली वीडियो थोड़ी लेट आ रही है यार, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीकेंड्स में भी नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा सा ऑफिस के काम वगैरह से बिजी था। तो आज वीकेंड है, आज टाइम निकला है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंगापुर की नाइट लाइफ। सिंगापुर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप रात को जा सकते हैं, जैसे हाजी लेन है, क्लाकी है, बोटकी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्लाकी। क्लाकी यहाँ की नाइट लाइफ में से एक है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लोग यहाँ पे वीकेंड्स में एंजॉय करने आते हैं। फ्राइडे है, सैटरडे है, तो यहाँ पे कई सारे पार्स हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ के आप एंजॉय कर सकते हो वीकेंड में। वीकेंड में थोड़ी यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी वीकडेज में इतना नहीं रहता, क्योंकि एक दिन मैं आया था मंडे ट्यूसडे, वैसे ही आया था घूमने के लिए, तो इतनी भीड़ नहीं था, इतने लोग नहीं थे। आज थोड़े हैं लोग। तो यहाँ से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं, एक एक क्लब दिखाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे शोर भी रहता है दोस्तों, थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अभी तो खैर कुछ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लब्स वगैरह स्टार्ट हुए नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। और थोड़ा सा यार अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में ना वीडियो थोड़ी हिलती है, सोच रहा हूँ गोप्रो ले लूँ, गोप्रो लेके फिर वीडियो बनाता हूँ। म्यूजिक की म्यूजिक है, बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है। वीडियो बनाने का हिल रहा है कैमरा यार। दोस्तों ये वाला जो एरिया है जो आपने पीछे देखा है, लगे हुए हैं ब्लू कलर, रेड कलर, ये पहले नहीं हुआ करता, पहले ओपन था, अभी फिलहाल मैं आया हूँ काफी दिनों बाद, दो तीन महीने बाद आया हूँ। ये कवर कर रखा है, पता नहीं क्यों कवर कर रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
पूरा ढक दिया है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहा होगा तो इसलिए ढक दिया है। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रिंक थोड़ी महंगी आती है, जैसे आपको अगर पाइंट लेना है बियर का, कोई सी भी बियर ले लो आप, हनीकन ले लो, कार्सबर्ग ले लो, तो थोड़ा सा $14-15 की एक पाइंट आती है। और बाकी कॉकटेल है, मॉकटेल है, थोड़ा सा महंगा माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं वीडियो के लिए, तो वीडियो में बताना, कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, या और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वीडियो में। यार GoPro लेना है यार, उसी से वीडियो अच्छी बनेगी, नहीं तो ऐसे तो हिलती रहेगी, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जू क्लब है, ये करीब 10-11 बजे के आसपास खुलता है, काफ़ी लेट खुलता है और सुबह 4 बजे बंद हो जाता है। तो क्लाकी की तरह यहाँ पे एक दो जगह और भी हैं जिनमें से एक दो मैं जानता हूँ, जैसे हाजी लेन है, हाजी लेन पे भी एक दो बार मैं जा चुका हूँ। वहाँ पे ऐसे क्या है, क्लब्स हैं, क्लब्स के बाहर आप बैठ सकते हो चेयर्स वगैरह लगा के, वहाँ पे भी इंडियन गाने बजते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेन क्राउड ज़्यादा रहता है, जैसे UK, US, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन क्राउड ज़्यादा रहता है, लोकल क्राउड मैंने कम देखा है। यहाँ पे आपको मिक्स क्राउड मिलेगा क्लाकी में, यहाँ पे आपको फॉरनर्स भी मिलेंगे और लोकल क्राउड भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये था क्लाकी। तो क्लाकी के क्लब्स वगैरह दिखाए मैंने आपको, क्लब दिखाए, पब दिखाए, जिनमें से एक क्लब के मैं अंदर गया था, मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैंने एक बियर ऑर्डर करी थी और कुछ फ्राइज ऑर्डर किए थे। ये रिवर है, रिवर के इस तरफ यहाँ पे लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं इवनिंग अपनी, और उस तरफ क्लाकी है और उसी तरफ सारे क्लब्स और पब्स वगैरह हैं। में कई सारे क्लब्स ऐसे हैं जो लेट 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 ओपन होते हैं, 10-11 बजे के आसपास ओपन होते हैं, जैसे उनमें से एक जूक है, जूक भी थोड़ा लेट ओपन होता है और वो रात के 2 बजे तक चलता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे तक चलता है, 4 बजे के बाद बंद हो जाता है। लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, तो यार लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर साउंड भी नहीं है, पर फिर भी शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो बताना, और धीरे धीरे और भी वीडियो आएंगी सिंगापुर में, और क्या क्या सही है जितनी कोशिश होगी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊं। तो वैसे भी अब 11 बज चुके हैं यहाँ के, 11:30 बज चुके हैं, 12 बजे माटी भी बंद हो जाती है, तो अब जाने का समय है, वापस चलते हैं घर, खाना पीना खाएंगे, सोएंगे। तो दोस्तों, मैं माटी से जा रहा हूँ अपने घर, ये माटी का रास्ता है और MRT लास्ट 12 बजे तक चलती है, अगर मैं 12 बजे से थोड़ा सा लेट हो जाता फिर मुझे कैब से जाना पड़ता और कैब फ़िलहाल बहुत महंगी है, तो इसलिए मैं 11:30 बजे निकल गया और मैं पकड़ जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ूँगा, मेट्रो से सीधा घर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।